एंड आप सबका स्वागत है अगले ब्लॉग में। एंड गाइस, आज का ब्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं हूँ। और एक सेकेंड, ये नेहा क्यों नहीं आई? उसने बोल रखा है कि वीडियो बनानी है और अभी तक नहीं आई। चलो जाकर देखते हैं मैडम कर क्या रही है। सो गाइस, अभी वो रूम के अंदर है और मैं काफी देर से इसका यहाँ पे वेट कर रही हूँ, पर ये लड़की अभी तक नहीं निकली है। तो जाकर अंदर देखते हैं कि कर क्या रही है। मैं वहां पे तैयार बैठी हूँ, तू यहाँ पे सोई हुई है? क्या मतलब क्या? तूने खुद बोला था कि आज हम ब्लॉग बनाएंगे, अ डे इन आर लाइफ, और तू यहाँ पे सोई हुई है। मतलब मेरे तैयार होने का कुछ फायदा नहीं है? कब बोला मतलब क्या बोला? तूने कल मुझे 10 बार बोला। एक सेकंड, ये चैनल ना मेरा है तो मैं डिसाइड करूंगी कि क्या बनना चाहिए, कब बनना चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये चैनल ना 70% मेरा भी है, तो प्लीज। हाँ, मैं चप्पल लेके आ वहां से। देरी रुक जा, कहाँ रखी है इसने चप्पल? ये ले, डाल और जा जल्दी। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हम ऑफ कोर्स सुबह कर चुके थे क्योंकि ब्रेकफास्ट सुबह ही करते हैं। आई मीन टू से कि अभी टाइम हो चुका है 1:30 एंड अभी हमारा टाइम है लंच का। और मैम, इंट्रो हम कब की बना चुके हैं? सॉरी यू आर लेट। गलत बात होती है, मैं तैयार होकर आई और तूने पहले इंट्रो बना ली। तू लेट आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंट्रो भी लेट करेंगे। ओह यह, और वैसे भी तेरे लेट आने का कुछ मुझे फायदा भी तो होना चाहिए, राइट? बहुत तेज हो रहा है। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 1:40 और मुझे लग रही है बहुत ज्यादा भूख, तो इसलिए मैंने सोचा है मैं कुछ खाने चलती हूँ। इससे पहले कि स्नेहा को पता चले कि मैंने उससे चीजें छुपा कर रखी है, मैं फटाफट खा लेती हूँ। और ये रहो, तो वो मुझे कहीं भी नहीं मिली, मुझे लगता है वो कहीं बाहर गई है। अब हम अकेले अकेले एंजॉय करेंगे। देर से नेहा नजर नहीं आई, कहीं वो मेरे से चुप चुप के कुछ खा तो नहीं रही। उसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढते हैं। वो देखो मुझसे चुप चुप के कैसे खा रही है, इसको तो मैं बताती हूँ। ये क्या बात होती है भाई? मैं अपने पैसों की लेके आई हूँ, तुझे खाना है तो तू जाके लेके आ। ले आऊंगी मैं, मुझे नहीं चाहिए तेरे पॉपकॉर्न। उसे लगता है कि उसने मेरे से पॉपकॉर्न छुपा के बहुत बड़ी होशियारी का काम किया है, पर उसे ये नहीं पता कि मेरे पास ये है, और जब उसे पता चलेगा तब तक ये मेरे पेट में जा चुके होंगे। और एक सेकंड रुक, ये मेरे जूते। तूने मेरे जूते बिना पूछे मुझसे कैसे डाले? मम्मी देखो, इसने मेरे जूते डाले हुए हैं। हाँ, तुम मरी नहीं जा रही तेरे जूते डालने के लिए। ये ले, पकड़ तेरे जूते। तो भी मैं कहूँ, मेरे जूते पे हमेशा मिट्टी वगैरह कैसे लग जाती है? ये मैडम डाल के जाती है बाहर। अच्छा, ये ले, साफ भी कर दिए, पकड़। मैं तो ऐसे ही चली जाऊंगी। आज तो मैं स्नेहा से चाय बनवा कर ही रहूंगी, पर कैसे बनवाऊं? वो तो बनाएगी नहीं। आइडिया। बहन सुन, क्या है? मैं कह रही थी चाय बना दे। चाय? और मैं, वो भी तेरे लिए। हाँ, मैं बहुत थक रही हूँ, मैं नहीं बनाने वाली कोई चाय वाय, तू जा।
मैंने सोचा था कि आज शादी में मैं नहीं जा पाऊंगी तो तू चली जाएगी। शादी में? ठीक है ठीक है, अगर मैं शादी में जाऊंगी तो मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। अच्छा तू मेरी चाय ना मेरे रूम में ले आइयो। चाय तो बन गई है मैडम की, अब उसको दे के आते हैं। लो मैडम चाय बन गई आपकी। थैंक यू बहन, यू आर सो स्वीट। अब हम खुद भी आराम से बैठकर चाय पीने वाले हैं। इतनी मेहनत करने के बाद चाय बनाई है, खुद भी तो पीनी चाहिए राइट। अच्छा गाइस मैं सोने जा रही हूँ, आगे का फ्लो उठने के बाद कंटिन्यू करती हूँ। अब मैं शादी में जाऊंगी। नींद वाली गोलियां डाल दी, अब तो शादी में जाके दिखा, जाऊंगी तो मैं ही। चलो अब मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ कि मैंने शादी में जाना है ना। सबर करो मम्मी, चले शादी पे। किसकी शादी? किसकी मतलब? पुष्पा आंटी की बेटे की। वो तो अगले हफ्ते है। अच्छा नो, कैसा लगा मेरा मजाक? सो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और स्नेहा का अपीयरेंस भी। प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं अगली बार भी ऐसी वीडियो ला सकूं। थैंक यू सो मच।